Bismillahirrahmanirrahim. This is Alia Iram, lecturer of statistics at SMBB, GDGC, Azam Basti, Karachi. Today I am going to share a video lecture to facilitate the students of second year commerce who are staying at their homes due to the lockdown which is implemented due to COVID-19. This lecture is based on the curriculum of second year commerce specifically, but equally useful for the students of BSc, BCom and BCS and everyone who is planning to get through the subject either for research purpose or any other course. This is the list of the topics under discussion. You can see three sections here. First section is the introduction to the subject. Second section shows averages, that is also called measure of central tendency. And the last section shows advantages and disadvantages of different types of averages. Heading towards the introduction of the subject, the subject is a branch of science that concerns the collection, organization, analysis, interpretation, and presentation of data. Before knowing the definition of data, we are going to understand some terms which are used vastly in this subject. Here is the term population. आम जिंदगी में हम पॉपुलेशन से मुराद आबादी लेते हैं, इंसानों की आबादी. लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ये ज़रूरी नहीं कि ये पॉपुलेशन इंसानी आबादी के बारे में ही बात की जा रही हो. इन स्टैटिस्टिक्स अ पॉपुलेशन इज़ अ सेट ऑफ सिमिलर आइटम्स और इवेंट्स विच इज़ ऑफ इंटरेस्ट फॉर सम क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंट. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन. जब भी आप किसी टॉपिक पर कोई काम करने जा रहे हों तो जिस चीज़ के बारे में आप डिस्कशन करने जा रहे हैं, चाहे वो इंसान है या कोई भी ग्रुप ऑफ आइटम्स है, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स है, तो दैट ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स शैल बी टर्म्ड एज पॉपुलेशन. एग्जाम्पल्स, द स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन 28 February 2020 एट द कॉलेज, या फिर एक चावल की बोरी, या फिर किसी एक मुल्क की आबादी वगैरह वगैरह. सैम्पल स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन का एक वो छोटा सा हिस्सा होता है जो उस पॉपुलेशन के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे. उसकी तमाम खसूसियात उस छोटे से हिस्से से हमें वाजे नज़र आ जाएं. फॉर एग्जांपल, जो चावल की बोरी हमने पॉपुलेशन कंसीडर की थी, उसमें से हम एक हैंडफुल ऑफ राइस लेते हैं ये चेक करने के लिए कि उसमें चावल की क्वालिटी क्या है, तो वो हैंडफुल ऑफ राइस सैम्पल कहलाएगा. सिमिलरली, अगर हम उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं किसी राइटिंग कंपटीशन के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, तो वो स्टूडेंट्स का बंच एक सैम्पल कहलाएगा जो कि उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. सिमिलरली, 100 सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री वगैरह वगैरह, ये सब सैम्पल्स हैं. नाउ द टर्म डेटा. सिंगुलर ऑफ दिस टर्म इज डेटम एंड प्लूरल इज डेटा. डेटा है क्या? डेटा इज any information which is represented either numerically or non-numerically. कोई भी facts based information data कहलाएगी. और statistics में सारी की सारी dealing हम data के ऊपर करते हैं. data को collect करते हैं, data को summarize करते हैं, data को organize करते हैं, data को analyze करते हैं, उससे result हम लोग draw करते हैं और फिर उसके बाद interpret करते हैं. आज का जो दौर है, आज का जो एरा है, वो डेटा का एरा है. और अगर हम देखें जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन की या कोविड-19 की, तो इसमें हमारे पास डेली मुख्तलिफ किस्म के आदाद शुमार आ रहे होते हैं कि इस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं, या इतने लोग जो हैं वो खुदा न खास्ता उनको ये इसमें सिम्टम्स हमें मालूम हो रहे हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें, या किसी भी चीज़ की बात करें तो उसमें आदाद व शुमार की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है. उन्हीं आदाद व शुमार की बुनियाद पर ही मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज प्लान की जाती हैं. अगर हम कोविड-19 की बात करें तो इन आदाद व शुमार ने, यानी इस डेटा ने ही हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हमें आइंदा आने वाले वक्तों में किस किस्म की स्ट्रेटजीज इख्तियार करनी होंगी ताकि जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद में कमी लाई जा सके. सिमिलरली, कोई भी मुल्क हो, कोई भी जगह हो, वहाँ के लिए जो प्लानिंग्स की जाती हैं उनमें डाटा का बहुत ज़्यादा रोल होता है. और इसकी अहमियत से आज की दुनिया बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है. इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी कोर्स अगर हम पढ़ने जा रहे हों तो उसमें जब हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो डाटा के ऊपर ही सारी की सारी वर्किंग की जा रही होती है. स्टैटिस्टिक्स की इम्पॉर्टेंस को पास्ट में कोई इतना ज़्यादा हम लोगों ने इम्पोर्टेंस नहीं दी है, इतना कंसीडर नहीं किया है, लेकिन आज के दौर में
इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू मूव इन द मॉडर्न एरा विदाउट कंसिडरिंग दिस सब्जेक्ट. सो आगे चलते हैं कि डेटा की टाइप्स क्या क्या होती हैं. डेटा की टाइप्स डिफरेंट हमारे पास मौजूद हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं. पहला क्राइटेरिया ये है कि किस इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस है. देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि प्राइमरी स्कूल वो होता है जिसमें आप शुरू की क्लासेस पढ़ रहे होते हैं, 1 से लेके 5 तक पढ़ रहे होते हैं. इनिशियल क्लासेस होती हैं, आप रॉ होते हैं, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है दुनिया की या चीज़ों की वो आप वहाँ पे हासिल कर रहे होते हैं. सिमिलरली वो डाटा जो फ्रेश हैंडेड है, जो आपने जस्ट कलेक्ट किया है, दैट इज़ प्राइमरी डाटा. और उसके ऊपर आपने किसी भी किस्म का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं किया है, उसको आपने कोई टचिंग नहीं की है, कोई उसके ऊपर आपने काम नहीं किया है, इसलिए वो प्राइमरी डाटा भी कहलाता है, रॉ डाटा भी कहलाता है. और वही डाटा जब आप उसके ऊपर थोड़ी सी भी वर्किंग कर लेते हैं, दैट बिकम्स सेकेंडरी डाटा. नाउ द सेकेंड क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसकी क्या नेचर है. उसके हिसाब से भी दो तरह के डाटा है हमारे पास मौजूद. द फर्स्ट वन इज़ क्वान्टिटेटिव डाटा एंड द सेकेंड वन इज़ क्वालिटेटिव डाटा. एज द नेम सजेस्ट्स, क्वांटिटेटिव डाटा इज़ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें क्वांटिटी की बात है, जिसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ पार्क, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर कॉमर्स एट अ कॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑन द अदर हैंड, क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा है जिसमें नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा एक्सप्रेस किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, हेयर कलर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ स्पेसिफिक क्लास और ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स at JPMDC or any hospital, caste of the people residing at a specific area, etc., etc. Now we can see there are further two types of quantitative data. The first one is discrete and second is continuous data. Discrete data is that data which is countable, which can be expressed in whole numbers. For example, number of houses in a block, number of books in a library, number of beds in a hospital, or anything which comes under the heading of number, जिसको आप count कर सकते हैं. और continuous data which is measurable, for example, height of the patients at a hospital. अब height अगर आपके mind में आ रहा हो कि height तो जो है वो whole number में भी हो सकती है. For example, किसी की height 4 feet भी हो सकती है, किसी की height 5 feet भी हो सकती है, but at the same time 4.1 भी हो सकती है, 4.2 भी हो सकती है. इट कैन बी एक्सप्रेस इन एनी थिंग, इन एनी फ्रैक्शनल वैल्यू ना. तो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस डेटा, विच इज़ कंटिन्यूड एंड विच इज़ इन डेसिमल पॉइंट्स आपकी आसानी के लिए.